बाबा, इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुना दी तूने, पर सबसे जरूरी बात तो बताना ही भूल गया कि इच्छाधारी नाग नागिन कोई भी रूप ले सकते हैं। शक्ति का मन, पच्चीस साल से तेरे वजह से मुझे मौत से बदतर जिंदगी मिली है। जिंदा थी मैं लेकिन कब्र में थी। जीते जी मारा है तूने मुझे, पर ना मोहिनी के दिल में ना जहर और दया दोनों है। हाँ, मैं तुझे जिंदगी और मौत के बीच में झुलाऊंगी नहीं, सीधा उस पार भेज दूंगी। अब तू बच नहीं पाएगा। एक बार मेरा डसा, तू पानी भी नहीं मांग पाएगा। मैं शिव के साथ साधना करके अपने कुंदन को जिंदा करूंगी। और उस नागमणि को हासिल करके अपनी शक्तियां वापस लूंगी। और अब फिर शुरू होगा नया अध्याय शिव शक्ति के जीवन में, इच्छाधारी नागिन के इंतकाम का अध्याय। मोहिनी दी, शुक्रिया मुझे बाबा के जाल से आजाद करवाने के लिए। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? जी मोहिनी जी, मुझे अच्छी तरह से पता है क्या करना है, अब भी और आगे भी। आपका काम हो गया, अब आज्ञा दीजिए और क्या करना है। अब तुम नहीं, अब जो भी करूंगी वो मैं करूंगी। ये डंक तो झांकी है, असली डसना अभी बाकी है। पच्चीस साल मैं कैद थी। 25 साल से ना मैं किसी रेंग पाई, ना जकड़ पाई, ना मैं मचल पाई।
पर अब नागिन बाहर आ गई है और अब वो जमीन पर रेंगेगी भी और अपने दुश्मन को जमीन पर रिंगाएगी भी। इंसानों की घर वापसी तो सबने देखी है, अब नागिन की भी घर वापसी देखेंगे। शक्ति का अध्याय नागिन के बिना कैसे पूरा हो सकता है जब शिव शक्ति के बिना अधूरा है तो नागों के बिना भी अधूरा है। शक्ति तो फिर भी शिव के बगल में बैठती है पर नाग शिव के गले में बैठते हैं और ये नागिन भी शिव के गले चढ़कर ही बैठेगी और फिर धीरे धीरे इस शिव और शक्ति को एक दूसरे से अलग कर देगी। शक्ति तो शिव की जिंदगी से चली गई थी और फिर पार्वती बनकर लौट भी आई पर नाग उन्होंने इनका साथ कभी भी नहीं छोड़ा और ये नागिन भी शिव के साथ हमेशा रहेगी क्योंकि मेरे शिव में ही मेरे कुंदन बसे हुए हैं।
और मैं मेरे कुंदन को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर मुझे शक्ति को वापस से सती बनाना पड़े तो मैं वो भी बना के रहूंगी। मुहूर्त निकल आया है शिव, आने वाली 7 पूरनमासी में मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगी। तभी तो मुझे मेरा कुंदन मिल पाएगा और उसके लिए मुझे चाहिए होंगी शक्ति के सुहाग की 7 निशानियां। और सबसे पहली है पायल। शक्ति, दादी, शक्ति जी, दादी, पायल सुहाग की पहली निशानी होती है। इसकी खन खन की आवाज से पति पत्नी के जीवन में संगीत भरा रहता है, मिठास भरी रहती है, पति का मूड बना रहता है। पर तुम्हारी जिंदगी में तो फुंकार भरने वाली है ना, जहर घुलने वाला है, तो तुम्हें इसकी क्या जरूरत? दादी, क्या हुआ? आप ठीक है ना? बेटा पता नहीं, जी बहुत घबरा रहा है, मन नहीं लग रहा किसी चीज में। दिखाइए। आपको ना हाइपरटेंशन हो गई है, लेकिन फिकर करने की कोई बात नहीं है, बस लंबी लंबी सांसें लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हम आपके लिए अभी पानी लेकर आते हैं। क्या बताएं तुझे, कैसे बताएं? अब इस घर में कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा। तुम जिसे इस घर की चौखट के अंदर लेकर आए हो साक्षात यमराज है। शक्ति, सुहाग की दूसरी निशानी मैं तुझसे छीनने वाली हूँ, और वो पता है क्या है? और वो है ये चूड़ियाँ। पता है ये किसकी निशानी होती? पति पत्नी के गहरे रिश्ते की, घर में आने वाली समृद्धि की, भाग्य की, भविष्य की। पर तुम दोनों का रिश्ता तो टूटने वाला है ना? अब ना इस घर में कोई समृद्धि होने वाली है, ना कोई भाग्य, और ना ही इस घर का कोई भविष्य होने वाला है। क्या बेटा? ओहो, कुछ नहीं दादी। ये चूड़ी कैसे टूट गई? हे भोलेनाथ, ये कैसा अपशगुन है? दादी कोई अपशगुन नहीं है, वो तो हम पानी लेकर आ रहे थे, हमसे ग्लास फिसल गया और हमें बस थोड़ी सी चोट लग गई और कुछ भी नहीं। नंदू, दादी, नंदू, दादी, अरे क्या हो गया भाभी? तो जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ। नानी, फर्स्ट एड बॉक्स तो वहाँ मंदिर के वहाँ ही रखा है। चलो अभी आपका जख्म भी साफ करता हूँ और आपको दवाई भी लगाता हूँ, आ जाओ। हाँ। दादी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। नहीं लेंगे टेंशन, तो चल बैठ जाओ। हाँ,
सुहाग की दूसरी निशानी तो हुई मेरी, अब बारी है सुहाग के तीसरी निशानी की, और वो है चूनर। थैंक यू नंदू भैया। भाभी आग, की तीसरी निशानी चुनरी, उफ दुपट्टा, प्यार की निशानी, साथ की निशानी। कहते हैं जिसके नाम का दुपट्टा लड़की के सर पे पड़ जाता है ना, वो हमेशा के लिए उसके साथ हो जाती है। पर शिव के नाम के साथ तो मेरे कुंदन का नाम जुड़ा है ना, तो ये दुपट्टा भी लहरा लहरा के इस लहराते हुए नागिन के सर पे पड़ेगा। या फिर यूं कहूं कि ये मेरे फन के ऊपर आकर पड़े। ये क्या हो क्या रहा है भोलेनाथ? हमें तो लगा था कि मंदिर आंटी के जाने के बाद इस घर में शांति आएगी, घर में सब खुश होंगे, पर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे अब तो और भी बड़ी विपदा आने वाली है। सुहाग की चौथी निशानी के लिए मुझे तुझे काटना पड़ेगा शक्ति। ये सब क्या हो रहा है? पहले चूड़ी का टूटना, फिर दुपट्टे में आग का लगना। क्या अभी भी यही कहेगी कि ये कोई अपशगुन नहीं है? शक्ति, ये खून